बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं उम्मीद करती हूं आप साहब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। सदवान आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने पहले छोटी जी अर्ज करते हैं, जेडे मेरे भैन भी साढ़े नवे ने जिन्हें साढ़ा निधा फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी, साड़ी वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली। मेरे भैन भी साढ़े जुड़े रहना, साड़ी वीडियो पूरी वाच करनी है, स्किप नहीं करनी। मैं एक बहुत ही खास और बहुत प्यारी जगह पर जा रही हूँ, तो तैयारी कर ली है जी। मैं भी कर ली है, मेरे दोनों शहजादे ने भी तैयारी कर ली है। कैसे तैयारी कर ली? चले चलो चलो चलिए, आप भी जा रहे हो? चलो ठीक हो गया जी, तैयारी कर ली असी, तो असी हूँ जा रहे हैं। तो मैं जुलकर लैन वास्ते रुमाल भी उठा लिया, तो ताला भी उठा लिया, क्यों आपका घर नहीं है वो फिर सीधी आएगी इधर, तो असी हूँ घरों निकल दें जी, जानते हैं। लो जी जा रहे हैं असी घरों निकल चुके, जुलकर लैन कि खुश खुश चल जान भाजा तुम्हें, जुलकर लैन कि खुश खुश जा रहा हूँ माशाला। हूँ पता मेरे मामू गुफार का घर इधर इस साइड पर, बड़ा खुश जा रहा है, मेरे को चलिया नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब आ, मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मैं दसिया नहीं अपने भैन भैया ने यह चीज़ शेयर ही नहीं की कि मैंने परसों चौथ भी ड्रिप लगी सी, तो बहुत ज़्यादा तबीयत अपसैट सी, तो रात की फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब आ। देखो जी माशाला, अल्लाह मियाँ खानी नसीब करे, गंदम कितनी प्यारी आ, बिल्कुल रेड हो चुकी है, ये हूँ कटाई ती हुई है, होर तकरीबन 6 से 7 या 8 दिन ये कटाई बिल्कुल शुरू हो जाएगी। ये कटाई गंदम की जो शुरू होगी ये नाल ही निकलनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह मियाँ हर एक खानी नसीब करे। देखो जी गाँव का माहौल, लोगों ने कि खोरी जी गन्ने कमाद की खोरी आ, उपर जो होंगे वे कख छिलके उन्होंने कट्ठे करके किस तरह ढेर लगाया, लोग रोटी बनाते तवी दे जी। सारे माशाल्लाह गाँव का माहौल है जी, बाग दे विच लगाई हुई है, तो जोड़े लोग गंदम की कटाई करे वो नाल नाल बाग की छां थले भी बैठेंगे। गंदम है देखी इन्नी प्यारी गंदम आ, फल भी बहुत ज़्यादा वा, तो गंदम भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। देखो जी ये साडा अगे सरकारी हॉस्पिटल आ रहा, ये साढ़े गाँव का सरकारी हॉस्पिटल, साडा मेन रोड है ही है तकरीबन माशाल्लाह। इस साइड तो उन्होंने बाग की पनीरी लगाई हुई सी, उन्होंने कुछ उन्होंने पट के लगा ली, कुछ बूटे खड़े हाले। ये साढ़े गाँव का सरकारी हॉस्पिटल है जी, ये तो डॉक्टर बैठते हैं। चलो ये भी एक गाँव के सोहनी सहूलत आ, बहुत प्यारा बनया हुआ वा, बनाया भी भाई मुसफा उन्होंने, बहुत खूबसूरत बनया हुआ, बाहर पानी वास्ते नलका भी लगा हुआ, ये मैं लगता किसी ने नया ही लगवाया, अच्छी गल आ, ताकि आते जाते राही पानी पीनगे तो सुभाव मिलेगा लगाने वाले ने भी लगवाने वाले ने। मेरे अम्मी उन्हों का बाजार आ गया, अब बहुत मुश्किल के नाल इस साइड में आना पाया मजबूरी तहत, यह लड़कियों वाला स्कूल आ सरकारी, मेरी अम्मी उन्हों का बाजार आ मेन बाजार, साड़ी वालदा तो ना रही, वालदा दी यादा तो आया एक दिन भी इस दिन मेरे बाद जमीन इस साइड में आईया से बहुत मैं परेशान सी, तो अज फिर एक मजबूरी सी लाजमी आना सी, वो भी अपने भैन भैया शेयर करते हैं कि क्या सी मजबूरी है, भी साढ़े बहुत खास जानने वाले ने हमसाए ने, तो अच्छी सारी जिंदगी मेरे वालदैन की गुजरी इन्हों के नाल, बुजुर्ग इन्होंने नाल इन्हों भी अबू साहब बहुत इन्होंने वाला साहब बहुत हो गए हैं, तो वालदा है जी भागवर ने कोठी बनाई अल्लाह मियाँ रहना नसीब करे, ये भी साढ़े हमसाया ने बिल्कुल गफार के हमसाया ने, बार फ्रंट गफार ने तैयार किया बहुत प्यारा माशाल्लाह। साढ़े हमसाया का घर जी ये बनया वा, ये जी मेरे भरा गफार का उरला घर आ, लगता इन्होंने दोबारा शवारा मार लिया, चलो जी सारे खुश रहन, ये भरा हो वक्रे हो वाला, ये साड़ी वालदा का घर सीगा जिन्हें घर घर च दाखिल होंने। अस्सलाम वालेकुम, साडे स्पेशल मेहमान आ चुके हुण, वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक अल्लाह दा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बढ़िया रा शाजा जी, ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा, तुसी सुनाओ? आज बड़ा बड़ा प्रोग्राम कीती मैं, सलाम बस, अल्लाह तेरे आन दी खुशी विच ही आ,
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਹੁਤ ਹੋਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਖਦੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਫਾਰ ਨਾਈ ਹੈ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਈਏ ਦੇਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗਫਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹਲੇ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਠੰਡੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਵੀ ਦਊਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਭਰਾ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਊਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਲਸੀਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਖਰਾਬ ਪਈ ਉਦਾਂ ਹੀ बहुत शुक्रिया अच्छी है वाशिंग मशीन बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भी माशाल्लाह माशाल्लाह चलो अल्लाह खैर करे जी मैं चलो बहुत बहुत मुबारक हो मेरा दिल खुश हो गया देख के अल्लाह नियां तुहानू मजीद तरक्कियां देवे अल्लाह सोहणा तुहानू हिम्मत देवे अल्लाह दे रास्ते ते कदम दी और जिन्ना वास्ते रखिया मिलाद जी असल जेडे स्पेशल खुशी आ जेडी खुशी वास्ते रखिया दी ओ इंशाल्लाह बहुत जल्द ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਲ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਹਣ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ ਅਮੀਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੀ ਲੋ ਫਿਰ ਪੀ ਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗਫਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸਾਲਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਸਾਲਨ ਚ ਸਟੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਫਾਰ ਦੇ ਮੇਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਗਈ ਇਹ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਿਆਜ਼ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚ सालन पकन लग गया बिल्कुल सालन रेडी हो रहा वा सालन ने तैयार कर लिया वा।
पानी नहीं लगाया, बस हल्का जहा पानी लगाया ताकि पक के जरा खुशक खुशक तैयार हो जाए। इन्होंने मुर्शद साहब आए हुए ने सालन उन्होंने वास्ते तैयार किया। माशाल्लाह होर भी मेहमान आए ने ते उन्होंने चावल दे रहे ने। साढ़े हुए भी बहुत ज़्यादा खास मेहमान ने, ये मेरे भाई आशिका वा ते भाभी आ ते गफार ने इन्हों स्पैशल बुलवाया सीगा, ये भी पहुँच चुके ने। ते कमरा गफार का घर छोटा ही आ ते काफ़ी ज़्यादा खलारा पिया घर दे विच ते जगह भी पूरी सूरी आ, इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी। होर भी मेहमान आ गए, वो देखो जी साढ़े खास होर मेहमान आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, वाह भाई वाह। साडा ते गोलू मोलू भी आ गया, साडा सोहना सोहना शहजादा मरियम भी आ गई। लो जी मैं उठ के मिलदी इन्हां नूं। मेहमान आ गए ने, मेहमानां नूं मिलदे हां। यार मरियम जैसे ठीक है? हां जी माशाल्लाह, दिखाओ ते सोहना लगदा पिया। सही लाल। ओए वालेकुम असलाम। देख रहे हो नवे घर आए हां? ठीक है, देख रहे हो नवे घर आए हां? मेरा सोहना सुनखा पुत, देखो जी कि प्यारा गोनू मोनू, मेरी जान का टोटा, मेरा छोटा सा दिल।